हेलो जी, राम राम। और सब कैसे हो? आशा करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका सोनी बिली लाइफ यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज देखिए, दोनों नंदन और भाभी क्या बनाने लगी हुई हैं। सोनी की तो रोटी बन रही है और हमारी दीदी है ना, वो बना रही हैं चावल। कौन से चावल बोलते जाए? राजमा। नहीं, जर्दा चावल। ये देखो, ये वाले चावल हैं और कल मैं लेकर आया था। महंगे तो हैं लेकिन रेसिपी काफ़ी स्वादिष्ट है। और इसमें यहाँ पे पानी रख दिया है तो पानी में थोड़ा सा शरबत जैसा लग रहा है, थोड़ा सा कलर डाल दिया हल्का सा। कलर कौन सा है ये खाने वाला? नाम क्या है इसका? नाम ये वाला कलर डाल दिया है, खाने वाला कलर। कलर को भी खा जाते हैं लोग। और अभी चावलों को रख दिया उबालने के लिए, पहले तो इनको उबालेंगे। और रेसिपी काफ़ी मस्त होने वाली है तो वीडियो को लाइक अभी से कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि बाद में आप स्वाद स्वाद में फिर लाइक करना भूल जाते हो। हाँ, अभी हमारे चावल उबल रहे हैं। जब तक ड्राई फ्रूट जो डलेंगे, बादाम काजू वगैरह, तो उनको कटिंग कर लेंगे। काजू खत्म है गए? खत्म है। तो बादाम ही बादाम डलेंगे फिर। हैं, नारियल डल जाता है तो फिर नारियल भी नहीं है तो इनको छोटा छोटा पीस में कटिंग कर लेंगे। और आज हमारी दीदी बनाएंगी बहुत ही लाजवाब रेसिपी। दोस्तों कल हमने अपना कूलर लगा लिया और कूलर का आनंद तो ले ही नहीं पाया। रात में लाइट भाग गई 12-1 बजे और आंधी तूफान इतनी भयंकर आया था कि आज रात में हम ढंग से सो भी नहीं पाए। पूरी रात कभी इधर धड़ाम धूम उल्टी सीधी आवाज आ रही थी आंधी की वजह से। हमारे चावल भी उबल चुके हैं, ये देखिए कितने बढ़िया हो गए चावल। कलर देखे तो मस्त लग रहे हैं। ये देखो इतना बड़ा भी हो गया है और एकदम गजब दिख रहा है। मैं अपनी सच्ची बता रहा हूँ, मैंने तो ये वाले रेसिपी पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, मीठे चावल। अब देखते हैं आज खाएंगे कैसे लगे। जीदी बोल रही थी काफ़ी अच्छे लगते हैं, बहुत स्वाद। सोनी की तो रोटी बस थोड़ी सी और रह गई है और वो सब्जी का बनाइए। रमास की परी देख लो, रमास और ग्वार को फर्क ही ना पता पड़ रही। अरे वाह, रमास की परी। चलो आपको सब्जी दिखाऊं। ये देखिए सब्जी, वाह सब्जी तो गजब की बनी है। ये देख सकते हैं काफी मस्त सब्जी है, रमास की परी, आलू और रमास। सब्जी देख के बताओ दोस्तों कैसी है। पानी तो निकल गया ना इनमें से। अभी तैयार करते हैं। हम गिर रहे हो तो एक सुता ही तो हम बेसिन आने आते ही आता जाम गिरने का था। हटे चम्मच। चलो ये काम हो जाएगा हमारा, चल जाएगा आज का काम। तो ले आएंगे आज, मार्केट से लाना पड़ेगा, घी खत्म हो गया, क्या करें। इसमें से क्या क्या डलेगा? काली मिर्च, काली मिर्च और लौंग। काली मिर्च डलेंगे अकेली, तो यहाँ पे काली मिर्च ले लिए 10-15 लेंगे। लौंग डाल दो बस, लौंग से भी थोड़ा स्वाद अच्छा लगता है। और अभी डाल देंगे इसमें घी, तो घी डाल दिया करीब तो 3-3 चम्मच हो गए इसमें, 3-4 चम्मच। मेरे साथ आप सब भी इंजॉय करना आज की नई रेसिपी, बहुत ही गजब की। इसमें क्या कि छौंक लगा दो, ये काली मिर्च और बादाम सबको गर्म हो गया, छौंक लगा दिया तड़का। दोस्तों अभी देखो गैस भी कैसी उड़ रही है, हवा बहुत तेज चल रही है बाहर, तो खाना बनाने का सोच भी नहीं तो सकते। गेट लगा के बनाना पड़ रहा है, देखो कपड़े कैसे उड़ रहे हैं। बहुत रात से तूफान जैसा हवा चल रही है, रात में तो बहुत भयंकर हवा थी। ये जो हमारा डला है ना छाया के लिए, इसकी इतनी भयानक आवाज आ रही थी रात में, फड़ाक धूम धाम धूम। चौक लग गया। तो सीधी सिंपल रेसिपी है, बस घी में उनको अच्छे से भून के अभी चावल डल गए। और चावल डलने के बाद में अभी डलेगी चीनी। और चीनी कितनी डलेगी? चीनी डालेंगे अपने स्वाद अनुसार। तो यहाँ पर कितनी एक कटोरी डाली? आधी कटोरी डाली है, आधी कटोरी चीनी डाली है। अभी सभी चावलों को अंदर डाल देंगे। 250 ग्राम चावल। और का कोई कम खाएगा कोई ज़्यादा खाएगा तो अच्छा, फिर बाद में चीनी कैसे मिलाएंगे? बाद में अच्छी नहीं लगेगी, अभी डालिए। पहले खाता है, कोई कम खाया कोई मीठे खाया, बाहर साथ में डालना है। अच्छा, अभी बनके होंगे तैयार। कहाँ भिजाया योगेश?
अब पानी ले रहे मैं कहा पीवे का पानी लेके आना। मेरे को तो देखने में मस्त लग रहा है ये, खाने में तो पता चलेगा लेकिन देखने में काफी मस्त लग रहा है, खाने में भी मस्त लग रहा है। रेसिपी का नाम है जर्दा रेसिपी है ना, जर्दा तो जर्दा तो पान मसाला। अच्छा अच्छा जर्दा रेसिपी है। वैसे मीठा भात बोलते ना, मीठा भात अब इसको भात बोलते हैं तो मीठा कर दिया, मीठा भात भी बोल सकते हैं। जरूर चावल देखिए हमारे चावल भी बनके तैयार हो गया, मीठा मस्त बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है दोस्तों। जलेबी ने कैसे महका आ रही है, आनंद आ गया आज, दावत बन गई दावत। अभी देखिए हमारा पूरा रेसिपी मीठा वाला बनके एकदम बढ़िया तैयार हो गया, बस अभी ठाकुर जी का भोग लगा के स्वीकार करेंगे और सोनी की भी रोटी बन गई। तो खाना खा के आज आपको थोड़ा हम मार्केट भी घुमाएंगे। ठाकुर जी महाराज लीजिए भोग स्वीकार कीजिए, अभी ठाकुर जी महाराज का भोग लगा। ओम नमः शिवाय। अभी चलिए दोस्तों अभी हम अभी इसको पूरे चावल के अंदर मिला देंगे, इसको हम इसी में मिला देते हैं तो ये बन गया प्रसाद। अब ये सब में बढ़ जाएगा और इसका स्वाद भी ये मान के चलो चार गुना बढ़ गया। खाना खाएंगे अब तो योगेश तो बैठ गया खाना खाने के लिए और अब हम भी खाते हैं। ये देखो कितना मस्त लग रहा है, डेकोरेट कर दिया, डेकोरेट कैसे रख दिया है। दोस्तों अभी हम चखते हैं और इसका स्वाद देखते हैं कैसा बना है ना। बहुत ही स्वादिष्ट, फुल पैसा वसूल, भले ही महंगे चावल आए हैं आप ट्राई जरूर करना, बहुत ही स्वादिष्ट लगे। तो इस समय 12:30 बज रहे हैं और अभी देखो रोटी बनाने से लेकर खाने तक में सोनी की साड़ी दो चेंज हो गई। और का सवेरे पीली पहनी, उसके बाद में नीली पहनी और अभी मार्केट जा रही है तो ये देखो कंसी पहनी, मस्त लग रही है। और कितनी साड़ी चेंज होंगी और देखो कमेंट आते हैं सोनी पे साड़ी नहीं, कितनी सारी साड़ी और देखो कितनी है हमारी, बहुत ज्यादा साड़ी है, 4-5 साड़ियों बस। और हवा भी एकदम ठंडी मिल रही है अभी, तो अभी हम चलते हैं मार्केट, एक दो रील्स भी बनाएंगे और उधर थोड़ा एंजॉय करेंगे और आप सभी को। दोस्तों एक ताज़ा कमेंट आया, मैं इसका भी जवाब दे देता हूँ। और सोनी नहीं दिख रही, धूप इतनी कड़ाके की धूप है, देखो सोनी दिख भी नहीं रही है। देखो इसमें लिखा है भाई आप नीचे कमरे में क्यों नहीं रहते हैं, कमरा है कि नहीं ये बताइए। तो देखो ये मेरा कमरा, ये पर्दा लगा हुआ है ना, ये मेरा कमरा है, यहाँ पे देखिए योगेश खोल कमरा, ये मेरा कमरा। अभी यहाँ पे कूलर रखने के लिए जगह नहीं है, देखो अगर मैं यहाँ पे कूलर लगा दूंगा ना तो ये मेरे छोटे भाई का आना जाना है, ये दिक्कत होगी काफ़ी ज़्यादा, तो यहाँ पर कूलर नहीं रख सकते हैं। और ये मेरा कमरा, ये देखिए ये मेरी टेबल रखी हुई है, ये भी मैंने अपने हाथ से बनाई थी, ये थोड़ी गंदी कर दी, कुछ फैला दिया बच्चों ने। ये देखो टेबल और योगेश बैठा, ये बेड ये भी मैंने बनाया था और वो भी मैंने बनाया था, और ये कैसे बनाया था, पैसा कहाँ से आया, वो भी मैं आपको बताऊँगा ब्लॉग में, है ना। और ये कमरा कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ 9x10 का कमरा है, 9x10 या 11 का ऐसा है, 9x11 का। ये देखो ये सोनी ने कुछ इसको डेकोरेट करके रखा है पूरा सजा के, ये देख सकते हो इधर पर जाए कुछ सामान वगैरह रखा है इसके ऊपर, और ये डेकोरेट करके रखा है, ये अलमारी है, ये वाली कटिंग डिजाइन है, ये सब मैंने कटिंग किया और सोनी ने इसको सजाया। ये देख लिया कमरा है कि नहीं है, ये हमारा कमरा है जो कि आपको हमने अच्छी तरह से दिखा दिया, और कमरा कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बता देना। छोटी सी बच्ची पोला खा रही है बच्चों के साथ में, हाँ और योगेश तैयार हो रहा है हमारे साथ में ही चलेगा, थोड़ा कैमरा पकड़ने की जरूरत पड़ेगी, रील्स बनाने के लिए वीडियो बनाने के लिए जा रहे हैं बाजार, तो पार्क में बनाएंगे वीडियो, तो कहाँ करें काम तो करेंगे। चलिए आपको धौलपुर की सैर कराते हैं, तो अभी हम आ गए घंटा घर वाले रोड पे, और इस रोड पे ना सबसे ज़्यादा जांच
हॉस्पिटल, डॉक्टर, पूरा ये रोड ऐसे ही भरा पड़ा है। और यहाँ पे आगे चलेंगे तो ये आ गई नगर पालिका, नगर परिषद। और हम भी इस रोड पे आए हैं पहले, क्योंकि सोनी को दवा दिलवानी है, तो ये नगर पालिका है। और हमने दवा दिलवा ली सोनी को, और दवा लेके अभी हम चलेंगे, अभी हम चलेंगे पार्क में। दवा ले ली, इसके ना थोड़ा थोड़ा दर्द होता है पैरों में कभी कभी, तो उसकी दवा ली। और जब हम घर से निकले थे ना, तो मम्मी बोल रही थी पार्क में इतनी गर्मी में कोई नहीं मिलेगा, पूरी पार्क खाली पड़ी होगी, क्यों जा रहे हो, शाम को जाना। और दोस्तों इधर आके देखते हैं तो क्या देखते हैं, ये देखो पूरा पार्क फुल। वीडियो कहाँ बनेंगे, देखो पूरा पार्क फुल है इस समय, उस तरफ छाया में तो उस तरफ भीड़ है लड़की लड़कों देखने वालों की, और इस तरफ तो इस तरफ भीड़ है। कहीं यहाँ पे छाया है वो पूरी बुक है पहले से ही पार्क। अब कहाँ बनेगी सोनी वीडियो, तो हमने अपनी रील्स भी बनाई यहाँ पे, देख सकते हो यहाँ पे सोनी की थोड़ी मेरी एक्टिंग, थोड़ी सोनी की चटपटी एक्टिंग। तो यहाँ पे सोनी का काम है मेरे पीछे डंडा लेके भागना, तो पार्क में भी लोग देख रहे थे सोनी कर क्या रही है। तो यहाँ पे हमारी शूटिंग चल रही है तो बजाना पर सुबह। दोस्तों अभी हमने यहाँ पे रील्स बना ली, 4-5 रील्स बनाई, बहुत बढ़िया। लेकिन इधर भीड़ ज़्यादा हो रही ना काफ़ी, देखो सब सगाई संबंध वाले हैं, और भीड़ में थोड़ा बनाते हैं तो सब लोग अजीब सा समझते हैं कि ये लोग कर क्या रहे हैं पागल से। तो फिलहाल अभी हम चलते हैं सब्जी मंडी में, सब्जी वगैरह लेगी, सब्जी वगैरह लेंगे अभी। अभी आ गया लेडीज मार्केट में, तो ये गांधी पार्क के आसपास में ही पूरा लेडीज मार्केट है, और यहाँ से सोनी कुछ लेगी अपने लिए, कुछ घर के लिए। लेके आई ना, बता पहले हाँ देखा कहा लेके आई है, पूड़ी बनाएगा जो कहा लेके आई है। अच्छा चलनी, चलनी बोलते हैं और कची बोलते हैं चलनी, और कहा लेके अच्छा चविया और बिंदी, बस दो ही आइटम चले, देखी कहा जो बाजार आई। चलो तो अब सब्जी मंडी चले, धूप में झूल रहा ही योगेश, नहीं ठंडे मौसम में आ जाएगी। और अभी हम पहुंच गए सब्जी मंडी, तो सब्जी मंडी से एक कलिंदा लेंगे, तो पहले तो बढ़िया सा और सब्जी लेके बस निकलते हैं घर के लिए। तो यहाँ पे सोनी ने भी अपने मिर्ची वगैरह ले लिया, तो अभी हम घर पे पहुंच गए योगेश, तो ठंडे ठंडा पानी, गर्म पानी तो पानी धोरो, ठंडे पानी तो तक कुआ में तो खींच के, हाँ खींच ले पानी पीवेगा ठंडा, और रात पानी धो लो आराम से। ये देखो हमारा प्यारा कुआ, इसका पानी एकदम ठंडा ठंडा पानी है दोस्तों, ये और ये देखो हमारी जुगाड़, ये मोटरसाइकिल का है ये, तो ये हमारी जुगाड़ कैसी लगी, बैरिंग लगी हुई है तो एकदम नरम खिंचता है इससे पानी हमारा, बहुत बढ़िया तरीके से। अभी ये देखो पानी भी आ गया एकदम चील्ड क्रिस्टल, ये देख सकते हो, ठंडे पानी से मुंह धो लो पहले, है आनंद आ गया पानी से, पानी पोटा रहा ऊपर करो। और अभी शाम का मौसम होने जा रहा है, और सोनी और दीदी दोनों आपस में बातें करते हुए कल की रेसिपी की तैयारी में लगे हुए हैं। तो फलियों गाइस, पूरा ठंडा मौसम हो गया, और छत भी, छत पे भी हमने पानी डाल दिया, तो छत भी ठंडी हो गई, और अभी सभी लोग इधर ही बैठेंगे आराम से ठंडी ठंडी हवा में, क्योंकि दिन भर की गर्मी से परेशान हो जाते हैं, तो इस समय थोड़ा आराम मिलता है। पीछे देखता हूँ योगेश पंचर जोड़ने बैठ गया है अपने आप, देखता हूँ क्या कर रहा है। अंगेरे अभी जोड़ने लगा ले, कितनी देर में लगेगी, तो वैसे ही खोल रही लगना आ रही है, पंचर जोड़ दी बावन कहे तो बाबा जोड़ देते पंचर है अंदर करके, ऐसे दबा दिया ऐसे जाते हैं ऐसे दबा, ट्यूब के अंदर ध्यान रखो बस ऐसे। योगेश ने साइकिल की पंचर जोड़ ली जैसे जोड़नी थी, और जब मैंने उसको हवा भरना चालू किया तो साइकिल में से हवा ही निकल गई, अब उसको दोबारा से जोड़ना पड़ेगा मेरे को। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आज की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो में, जब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, वंदे मातरम।